दोस्तों आपको अब तक यही पता होगा आज की मुर्गी का अंडा कैसा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने मुर्गी के अंडे या फिर बतख के अंडे को देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एनिमल किंगडम से जुड़ी कुछ ऐसे ही जानवर और पक्षियों के अंडों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके आकार रंग रूप को देखकर वाकई आप चौंक जाने वाले हैं। जिनमें से कुछ तो इतने कलरफुल होते हैं कि उनके बारे में क्या ही कहा जाए, और कुछ तो इतने पारदर्शी होते हैं कि आप उनमें से उस जीव के बच्चों को भी देख सकते हैं। और तो और हद की बात तो ये है कि कुछ अंडों को तो मेल एनिमल जन्म देते हैं। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग? तो आज की हमारी वीडियो भी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। स्क्विड एग। दोस्तों शुरू करते हैं स्क्विड से, जो कि एक बार में दर्जन नहीं बल्कि हजारों अंडे देते हैं। इनके अंडे का आकार कैप्सूल की तरह होता है, जिनके अंदर इनके नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं। इन क्लस्टर में इनके बच्चे बेहद सेफ रहते हैं, और मादा स्क्विड एक बार में 20 से 25 क्लस्टर कैप्सूल पैदा करती है। हालांकि इनके अंडे बेहद टेस्टी होते हैं, और इनके अंडों को खाने के लिए मछलियां ताक लगाई रहती हैं, जिसे बचाने के लिए स्क्विड कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिकन रॉबिन एग्स। अब मिलिए इन अंडों से, जिन्हें रॉबिन एग्स ब्लू किसी खास वजह से कहा जाता है। आप देख सकते हैं जो चिड़िया वीडियो में आपको नजर आ रही है, ये इसी चिड़िया के अंडे हैं जो कि कलरफुल होते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि इन मदर रॉबिन बर्ड में एक खास तरह का ब्लड पाया जाता है, जिसकी वजह से इनके अंडे का कलर इस तरह का हो जाता है। और रॉबिन बर्ड एक बार में 3 से 4 अंडे देती है। हालांकि अंडे जनने के बाद ये बर्ड उस पर 2 सप्ताह तक बैठी रहती है, ताकि जब तक बच्चे ना निकले वो उसी के आसपास रहती है। ग्रीन लेस विंग एग्स। आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा जीव, जिसके अंडे माचिस की तिल्ली की तरह दिखाई दे रहे हैं, पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंडे में लावा निकल रहा है, और ये फीमेल इंसेक्ट वहाँ अंडे देते हैं जहाँ लार्वा के लिए खाने का स्रोत होता है। हालांकि ये इंसेक्ट जब अपने अंडे से निकलते हैं तो वो ग्रीन हो जाते हैं, और इनकी आंखें ब्राउन कलर की दिखाई देती है। किवी एग्स। दोस्तों आपको बता दें कि किवी बर्ड दिखने में भले ही छोटा दिखता हो, लेकिन ये अपने अंडे काफी बड़े देते हैं। जहाँ किवी का अंडा अपनी माँ का 20% हिस्सा कवर करता है, और वहीं देखा जाए तो इंसानों का बच्चा अपनी माँ का 5% हिस्सा ही कवर करता है। आपको बता दें किवी के अंडे का प्रोसेस काफी पेनफुल होता है, और इसके अंडे में ज्यादा जर्दी होती है, जिस वजह से इनके बच्चे जब अंडे में से निकलते हैं तो वो पूरी तरह पंख वाले होते हैं। यही नहीं, किवी खुद को संभालने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। हालांकि साइंटिस्ट और शोधकर्ताओं का मानना है कि पहले के मुताबिक अब छोटे होते जा रहे हैं। वहीं फीमेल कीवी अपने पूरे जीवन काल में 100 अंडे दे सकती है, और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए उसे अपने शरीर से 3 गुना ज्यादा खाना खाने की जरूरत पड़ती है। शार्क एग। अब हम आपको शार्क के अंडों के बारे में बताते हैं, जो कि अलग अलग आकार और अलग अलग रंग रूप के होते हैं। भले ही ये कहा जाए कि शार्क की कुछ ही प्रजातियां अंडे देती हो, लेकिन इनमें से एक अंडा काफी फाइनलिटी होता है, जो क्रिश्चियन शार्क के द्वारा रखा जाता है, जो कि हल्का ब्लैक कलर का होता है। हालांकि शार्क के बच्चे का जीवन काफी कठिन होता है, क्योंकि उसके माँ बाप उसे खुद जीवन जीने के लिए छोड़ देते हैं। आप इस पारदर्शी लावा में से शार्क के बच्चे को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।